नवी सोच एक नवा जज्बा जड़ा है उन्होंने लहंदे पंजाब नूं दिता और इत्थे पंजाबी कॉन्फ्रेंसां दा जड़ा हड़ आया होया है उहदे विच उन्हां दा एक बहुत वड्डा हिस्सा है। मेरी मुराद सरदार अजायब सिंह चट्ठा जी हन जिन्हां ने पाकिस्तान आके एक नवी सोच पैदा की पंजाबी बारे और अज ये कायदा ए नूर बारे गल करनगे जिहड़ा उन्हां दी दोवां लिपियां दी जिहड़ी सांझ है वह करना चाहते हैं। सो मैं बेनती करता हाँ अजायब सिंह चट्ठा जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। अस्सलाम वालेकुम। मैनू पक्का विश्वास है कि मैं हुण स्वर्ग जाऊंगा। सब तो पहला उस जगह से जिथे सारे सिख तरसते है गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया उस तरह मैं बोलने का मौका मिलना कि नुमाणे जे बंदे मेरे लिए बहुत वड्डी गल है। तो दूसरा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना वो भी पंजाबी की कॉन्फ्रेंस इस कहने के खीर के लिया भी पढ़ाई मदद करना होर भी वड्डा पल नहीं हो सकता। ये चार साल की मेहनत जिस मजादा जी ने रबीला जी ने साढ़े जिस यूनिवर्सिटी जी कॉन्फ्रेंस कराई उन्होंने मेरी मदद की थी। उन्हां दी मदद नाल ही सार रमेश सिंह जी रोड़ा उन्होंने मिलने का मौका मिलया। उन्होंने मैं बेनती की सी भी एक कायदा पंजाबियों को पढ़ा लीजिए जिते असी नारे लाने मुजाहरे करते हैं किसी किसी माड़ा भी बोलते हैं उन्होंने आप पंजाबी भी सीख लीजिए। ये पंजाबी सीखने लिए मेरे ख्याल जिन्ना सिंपल से कायदा चार साल की मेहनत ने बनाया है जो कि इस समय महाराजा रणजीत सिंह जी ने बनाया था अंग्रेजा बड़े खत्म हो गया वो द्वारा असी बनाया है। हम मैं आप जी बेनती करूँगा वो पंजाबी के मुड़ के नारे उन्होंने बचाने की कोशिशा नहीं करनिया पैनगियां जी साड़ी कृपा करते मैं खेर साहब बहन साहब बेनती की सी जेडे वाइस चांसलर इस वेल साढ़े गुरु नानक देव जी के नाम से बड़ी यूनिवर्सिटी जे तुम ये चार भाषावान जो आ गोलक के चार ही भाषावान लिखिया है यो ही हरेक बंदा चार शाम की पढ़ूगा गुरमुखी पढ़ूगा अंग्रेजी पढ़ूगा तो हिंदी पढ़ूगा इन्ने सौखे ढंग के नाल असी पंजाबी अपनी माँ बोली पढ़ा लीजिए इतु वड्डा काम नहीं कुपन नहीं हो सकता। मेरे ख्याल मैं पक्का स्वर्ग मिलो क्योंकि हम कॉन्फ्रेंस हिस्सा ले रहा मैं पंजाबी नहीं पढ़ा रहा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी।